पेयजल की किल्लत से परेशान वार्ड 12 के वार्डवासियों ने वार्ड पार्षद अजीत वैद्य के नेतृत्व में निगम कार्यालय पहुंच महापौर कक्ष का घेराव कर जमकर की नारेबाजी, साथ ही मटका फोड़कर जताया अपना आक्रोश। दुर्ग नगर निगम में एक बार फिर विधानसभा चुनाव के बाद सरगर्मी बढ़ने लगी है। वहीं वर्षों से शुद्ध पेयजल और मूलभूत सुविधाओं को तरसते वार्ड 12 के रहवासियों ने गुरुवार को वार्ड पार्षद अजीत वैद्य के नेतृत्व में निगम कार्यालय पहुँच महापौर कक्ष के सामने जमकर प्रदर्शन किया, साथ ही नारेबाजी कर महापौर को इस लापरवाही पर दोषी ठहराते हुए आक्रोश जताया। इसी कड़ी में सैकड़ों की भीड़ लेकर पहुंचे पार्षद अजीत वैद्य ने पानी की समस्या से वार्ड वासियों को हो रही परेशानी को बताया, साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अमृत मिशन योजना में मिले 153 करोड़ को महापौर धीरज बाकलीवाल और जल कार्य प्रभारी संजय कोहले द्वारा मिली राशि को बंदर बांटकर शहर के वार्ड वासियों को पेयजल के लिए तरसाया जा रहा है। वहीं इस संबंध में पहुंचे लोगों ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर अपनी बातें रखी, तो वहीं भाजपा के पार्षद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकर जो आज आपने प्रदर्शन किया, मेरे वार्ड में विगत 1.5 साल 2 साल से आर्य नगर करके है हमारे घर के, हमारे वार्ड के पास में, वहाँ पानी टंकी बनाई गई अमृत मिशन के माध्यम से। वो टंकी चालू करने के लिए सतत हमको बरगलाया जा रहा है, लॉलीपॉप दिया जा रहा है, कल चालू होगा, परसों चालू होगा, एक महीने बाद चालू होगा, अगले हफ्ते चालू होगा, ये हुआ है वो हुआ करके हमको बरगलाया जा रहा है, लॉलीपॉप दिया जा रहा है। जल प्रभारी जी का वो गृहग्राम है, वो उनके खुद के वार्ड में वो पानी नहीं दे पा रहे, और अपने वार्ड में उन्होंने ऐसा मेरे साथ ऐसा छलावा किया है। अपने वार्ड में अमृत मिशन का नया कनेक्शन लगवाया, मेरे वार्ड में पुराने पाइपलाइन की कनेक्शन उसी से पानी मिलेगा करके मुझे आश्वासन दे रहे हैं वो, और मुझे कई जगह से पता भी चला है, ये सूचना मिली कि मेरे को पुराने कनेक्शन से पानी मिलेगा मेरे लोगों को, तो मैं पुराने कनेक्शन से पानी क्यों लूं? पूरी पाइपलाइन टूटी फूटी है, और वो टूट फूट जहां से नालियां टूटी हुई है, पाइप टूटे हुए हैं, वो नाली से गया हुआ पाइप, अब वो नाली का पानी पूरे के पूरे मेरे वार्ड के लोग पी रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। सतत इस परेशानी को लेकर के मैं पिछले 1.5 साल से लोगों को, माननीय कमिश्नर जी को, महापौर जी को विज्ञप्ति दे रहा हूं, उनको जानकारी दे रहा हूं, फोन कर रहा हूं, वो किसी भी प्रकार से संज्ञान में नहीं ले रहे। मैं आज परेशान होकर के अपने लोगों को लेकर के, मेरे पास एक नहीं दो दो नहीं चार चार पांच पांच लोग 50-50 लोग मेरे पास सतत आकर के पूछते भैया कब टंकी चालू होगा, कब अमृत मिशन का पानी मिलेगा, कोई जवाब नहीं है मेरे पास। तो मैं आप जवाब मांगने के लिए आया हूँ आज माननीय महापौर जी से, वही जवाब देंगे मुझे पानी कब चालू करेंगे। मेरे यहाँ अमृत मिशन का सिर्फ टंकी बना है, अभी मेरे वार्ड में नहीं बना है, वार्ड नंबर 13 में बना है। मेरे यहाँ कनेक्शन अमृत मिशन का कनेक्शन मेन जो पाइप है, पाइप लाइन गई है, वही गई है, मुख्य लाइन करना चाहिए, उसके बाद जो घर में जो कनेक्शन देना चाहिए वो आज तक कभी नहीं हुआ, किसी घर में नहीं हुआ। मैं समझता हूँ मुश्किल से 10 से 15 घर में वो जो अमृत मिशन का कनेक्शन दिए गए, और बाकी कनेक्शन को बोलते हैं कि पुराने कनेक्शन में देंगे, पुराने कनेक्शन हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग को भी नया कनेक्शन चाहिए, पूरे दुर्ग को दे रहे हो तो हमसे क्या दोगला पना भाई, हमने क्या बिगाड़ा है? मेरे वार्ड के लोग टैक्स नहीं बताते क्या, या हम लोग जल घर का टैक्स नहीं बताते क्या? हमको भी चाहिए नया कनेक्शन, मुझे नल का नया कनेक्शन चाहिए, अमृत मिशन का नया कनेक्शन चाहिए। माननीय मोदी जी ने 1.53 करोड़ रुपए दिया हुआ है, वो पैसा कहाँ गया जल प्रभारी जी बताएंगे या महापौर जी खा गए, किसने क्या किया उसका हिसाब देंगे, या मेरे वार्ड में नया नल का कनेक्शन देंगे और पानी टंकी जल्द से जल्द चालू करेंगे। तो आज यहाँ पर निगम पहुंची माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 153 करोड़ रुपए दिए जाने के बावजूद धीरज बाकलीवाल जी ने उस रुपए का ऐसा दुरुपयोग किया कि आज तारीख तक ये देख रहे हैं आप शंकर नगर क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 9, 10, 11, 12 इन सारे क्षेत्र के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। अमृत मिशन में 153 करोड़ सारे जगह पे नई टंकियां बनाने के बावजूद ये जो परिषद ने अपने लोगों को काम बांटने का चालू किया, भ्रष्टाचार किया, जिसके कारण लोग पानी के लिए तरस रहे थे। स्थानीय पार्षद अजीत वैद्य जी ने इस बात की जानकारी दी, भाई शेखर चंद राकर जी आए और लोग आए, आयुक्त को बुलवा के आज हमने बात की है, उन्होंने 5 दिन का समय दिया है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, थोड़े उदार होते हैं, हमने 7 दिन का समय दिया है, और 7 दिन में इन लोगों के घर में अगर नए कनेक्शन नहीं आए, इन लोगों के घर में नई टंकी से पानी आना चालू नहीं हुआ, तो भाजपा पार्षद दल इन सब के साथ में शहर के और पेयजल से त्रस्त नागरिकों को लेके आएगी और इस कैंपस का घेराव करेगी, और जब तक इनके घरों में पानी नहीं आ जाता तब तक भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। आपके माध्यम से एक निवेदन और संदेश और है,
माननीय महापौर जी शहर में नहीं दिखते तो नहीं दिखते, आजकल वो नगर निगम में भी नहीं दिखते। चुनाव का सदमा इतना गहरा लगा कि आज तक उबर नहीं पाए। अरे चार साल लोगों के दरवाजे चले जाते तो ये दिन ही क्यों देखना पड़ता। मैं आपके माध्यम से माननीय महापौर जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष भर आपका कार्यकाल मिला है, जब तक हो लोगों की बिजली पानी सड़क के लिए, कल आपकी सरकार रही आपको क्या दिन नहीं दिन नहीं जानता। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज निगम की आवाज लेके आप रायपुर पहुंचेंगे तो आपकी झोली भरी हुई मिलेगी और ये शहर का नागरिक सुकून में रहेगा। इसलिए माननीय धीरज बाकलीवाल जी उस सदमे से उबरे और आप नगर निगम आए, लोगों की पीड़ा को दूर करें, ये निवेदन उनसे है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।